और इस गलत सीन के बाद यार मुझे नहीं लगता मैं दोबारा उड़ने वाला हूं कभी इस गेम में मेरे से ना हो पाएगा तो भाई लोग कैसे हो तो यार वेलकम दी बैक, बैक दी वेलकम और स्वागत है आपका एक बीर गलत सीन से भरे पड़े पबजी तो मोबाइल गेम प्ले वीडियो में अब देखो ये अमेजिंग पार्क में ये जो उड़ने वाली मशीन है इसमें क्या होता है जब भी कोई बंदा उड़ता है यार उसे मज़ा टैप आ जाता है वो हवाओं के मजे लेता है और चिड़िया देखता है लेकिन जब मैं उड़ूंगा इसमें तो मेरे साथ सिर्फ एक चीज़ होती है वो है गलत सीन और मेरे साथ इतने सारे गलत सीन हो गए कि यार डर लगने लगता है आजकल चलने में भी डर लगने लगता है खैर आगे बंदे बैठे पड़े हैं तो मैं पहुंच जाता हूं उनके मुंह के सामने और इधर अमेजिंग पार्क में भी गिने चुने दो तीन बंदे आए है होते हैं जिनमें से एक को तो पकड़ लिया लेकिन इसका टीमेट कहीं पीछे की साइड है तो देखो यहाँ ठिपी भी लेता हूं मैं थोड़ी देर और उसके बाद पीछे की साइड भगता हूँ क्योंकि आगे से भग के गया तो कौन कहाँ बैठा होगा यार पता भी नहीं चलेगा पेटी बन जाएगी खैर मैं इधर आता हूँ और आगे बंदा होता है मेरे और इधर पे वैसे भी गिन चुन के यार तीन बंदे आए है होते हैं और उनमें से एक भाई का यार नेट ही धोखा दे जाता है मतलब गन गनगुन उठा ली भाई ने साइड में खड़ा है बंदा लेकिन नेट नहीं चल रहा है तो यार उसकी भी पेटी बना दी ये तीनों बंदे लो भी जाएंगे खैर उतने में मैं इधर आता हूँ ये उड़ने वाली मशीन में बैठता हूँ और देखो मुझे कद्दू नहीं पता यहाँ पे कौन किधर उतरा है मुझे बस एक ही चीज़ करनी है वो है गाड़ी का इंतजाम क्योंकि देखो तीन किल करने से कद्दू कुछ नहीं होने वाला यार किल और केठी कैसे बढ़ेगी तो गाड़ी के इंतजाम करने के लिए मैं रोड की तरफ निकल पड़ता हूँ और एक बग्गी दिखती है मुझे और बग्गी के पास जो होता है ना बहुत गलत होता है और इस गलत सीन के बाद यार मुझे नहीं लगता मैं दोबारा उड़ने वाला हूं कभी इस गेम में मेरे से ना हो पाएगा उड़ के आया मैंने सोचा यार गाड़ी पड़ी है मस्त गाड़ी लूंगा अंधा रस करूंगा उतरते ही पता चलता है चार बंदे बैठे पड़े इधर पे और एक बंदा अभी भी जिंदा है पीछे पे है क्या सोचने और मुझे लग रहा था यार ये बंदा पहले ही चुका है लेकिन मेरी डीपी में बस दस गोली बची थी और बस डैमेज दे पाये मैं खैर जो भी हो ये चारों के चारों ठिल जाते हैं और ये तो अच्छा हुआ यार इन्हें पता नहीं चला कि मैं उड़ते हुए आ रहा हूं नहीं तो यार हवा में पेटी बन जाती मैं नीचे उतरा और धैड़ पैड़ चारों को पेल गया अब से यार संभल के उड़ना पड़ेगा दिक्कतें बहुत बढ़ जाती हैं खैर जो भी हो भाई लोग आगे जाएंगे और आगे जाके गलती से हेडसॉट भी दे है। और दो बंदे जैसे तैसे नॉक करते यार मेरे कान के बगल से गोली जाती है वो कार इंटेट की गोली खैर इससे सिर्फ यही पता चलता है यार कम से कम चार बंदे बैठे पड़े हैं यहां पे लेकिन उसके बाद भी रस करेंगे हम और जहां तक मुझे लग रहा है ये छज्जे में जो बंदा चढ़ा था यही भाई कार इंटेट पटका रहे थे और यहाँ पे यार बंदे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं जिसको देखो वो बंदा नौक हो रहा है और पेटी मैंने किसी की भी नहीं बनाई है खैर मैं यहाँ पे फटाफट धैर पेड़ ऊपर चढ़ जाता हूँ क्योंकि नीचे कहाँ से कौन पे दे किसी को नहीं पता और ऊपर चढ़ के ना एक बेवकूफी कर बैठता हूँ मैं मैं नीचे गिर जाता हूँ बेवकूफों की तरह। मैंने सोचा यार छत पे चढ़ा हूं, टोप में हूं बिल्कुल पीक पाक करके पेल दूंगा और इन्हें पता भी नहीं चलेगा जैसी पीक का बटन दबाया यार मेरा बंदा जमीन के नीचे आ जाता है खैर जो भी हो यहाँ पे चार बंदे बैठे होते हैं चारों के चारों की बेटी बन गई आखिरकार लेकिन और भी बंदे यही कहीं और ये जो ऐसे हिलने डुलने वाली मैं हरकत कर रहा था यार ये इसलिए कर रहा था ताकि मेरे टीममेट की पेटी ना बना दी जाए और बहुत दिनों बाद बहुत महीनों बाद ऐसा हुआ है कि यार किसी ने वी इस इस्तेमाल किया है ख़तरनाक गने यार देखो बंदे ने नोक करके पेटी भी बनाना चाह रहा था और हमें पता तक नहीं चला है अभी तक कि है कहाँ पे बंदा लेकिन उसका टीम जो डी पी पटका रहा था यार उससे साफ पता चल जाता है कि ये जो सामने घर पड़े हैं इन महंगे घरों पर बंदे बैठे पड़े हैं और हम अकेली नहीं होते यार इनको पेले वाले कोई और भी बंदे होते हैं और वो बंदे छत के छत के नहीं पहाड़ी के ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं और यहां जो फ्लैट अब गोलियां तमीज से बचा के चलाने के जगह मैं क्या करता हूं जो भी बंदा भगता हुआ दिख रहा है उस पर अंधी फायरिंग बोल देता हूं टेक अब देखो जब तक आप बंदा नोक नहीं करते तब तक यार अगर आप ए डब्ल्यू एम चला रहे हो और डैमेज दे रहे हो तो उसे गोली की बर्बादी ही कहेंगे खैर जो भी हो यहाँ पे दो तीन बंदों को मैं बॉडी शॉर्ट पेलता हूँ ना पेट पुट न जाने कहाँ कहाँ गोली पहली लेकिन कोई भी नौकरी हुआ और गोलियाँ बर्बाद हो गई लेकिन हम भी ढीटे यार जब तक कोई ठिल के नहीं देता तब तक पेलेंगे और देखो मेरे अपने ही नशे चलने मतलब सको कौन सा कहाँ पर लगाए पता ही नहीं मुझे लोहा साइड खोल दी थी मैंने ए डब्ल्यू एम की खैर मुझे आगे एक बंदा लेटा हुआ दिखता है और ये शॉट मिस नहीं कर सकता मैं बिल्कुल भी और यहां पे पता चलता है यार कि सामने दो सकौड़ के बंदे होते हैं जो बंदा लेटा था वो पता नहीं कौन सी टीम का था लेकिन उसकी पेटी जरूर बन गई है सीधा और अब बस घर पे बंदे बैठे पड़े हैं तो करना क्या है यार चलाऊंगा दोबारा ईडब्ल्यू एम और हमारे ये भाई पूरी चौड़ में मतलब डर नाम की कोई भी चीज नहीं थी भाई की आंखों में यार छत पे खड़ा है बंदा वो भी पीक पाक करके और नंगा क्यों खड़ा था यार मुझे नहीं पता वैसे गर्मी बहुत बढ़ चुकी है यार खेलने में और वॉइस ओवर के टाइम तो यार बहुत ही दिक्कत हो रही है पंखा चलाऊंगा भाई ये सस्ता पंखा है घू आवाज करेगा दिक्कत बढ़ जाएगी खैर जो भी हो देखो एक बंदा नोक कर दिया वो भी गलती से हेडशॉट से मतलब बहुत ही कम होता है ऐसा कि यार मैं एडब्ल्यू की गोली चलाऊं और वो बर्बाद ना हो खैर यहाँ पे मैं आता हूँ ये पहाड़ जैसे मैं रोकता हूँ और दोबारा से गोलियाँ बर्बाद करने लग जाता हूँ अब देखो मैं इधर उधर भागता हूँ क्योंकि ये लोग भी कम चलाक नहीं होते जहाँ पे गाड़ी होती है वहाँ पे इन लोगों ने सारे नेट फेंक दिए अपने लेकिन देखो अभी मुझे पता है छत के ऊपर एक बंदा बैठा पड़ा है और मैं ये भी देख चुका हूँ कि यार भाई के सर पर हेलमेट के नाम पर कद्दू कुछ नहीं है और हमारे भाई पहले पूरी चौड़ में छत पे खड़े हो रखे थे और अब दूसरी बार जब मैं पास आ गया हमारे भाई पूरी चौड़ में छत पे लेटे पड़े हैं और दोनों बार गलती सेट सोट लगता है भाई को खैर जो भी हो यहां पे मैं रस करता हूं एक बंदा यहीं कहीं घर से गोली गोली चला रहा होता है तो करना क्या है यार देखो बिल्कुल अंधा परी देते हुए गोली बर्बाद करते हुए घुसते हैं हम अंदर और जैसा कि मैंने बोला था यार प्री फायर बहुत दूर की बात है इससे सिर्फ़ और सिर्फ गोली बर्बाद करना कहेंगे मतलब घर के अंदर घुसते हैं है भी भी। है, और पे मुझे पता चल जाता यार, बंदा के नीचे कहीं जा चुका है और सामने वाले घरों से भी फुटिश टह पा रहे हैं इसका मतलब यार एक से ज्यादा बंदा यहाँ कहीं बैठा है खैर जो भी हो मुझे अभी बगल में जो सैक होता है सस्ता सा वहां अंदर से फुटिश टह पाते बंदे के तो करना क्या यार नेट फेंकने की नाकाम कोशिश करता हूं मैं यहां पे और क्योंकि नेट मेरा सस्ता होता है है ना कुक के नाम पे मैंने कद्दू कुछ नहीं किया उठाया थोड़ी देर हाथ में रखा और फेंक दिया पत्थर की तरह तो बंदा भी नहीं ठिलता यार बाहर भग जाता है करना क्या यार अब घुस के पेलना पड़ेगा वहीं कहीं बैठा हुआ है वो अंदर ही अब देखो जो बाहर से भगते हुए आया उसका मुझे नहीं पता लेकिन जो अंदर बैठा था ना इस सेक के वो पूरी तैयारी में था पेटियां बनाने की मतलब उसको भी पता था यार हम दो बंदे हैं और दोनों घुस गए तो उसकी पेटी ज़रूर बनेगी तो भाई क्या करते हैं हमारे भाई पे पूरी गोलियां चलाते हैं लेकिन टाइम पे मैं आता हूँ पीछे से और बंदे की सीधा पेटी बनाता हूँ और दूसरा बंदा बाहर से भगते हुए आता है और वो भी ढिल जाता है अब यहाँ पे इस टीम के हम तीन बंदे पेल चुके हैं और चौथा बंदा किधर गया और कहां पे कैंप कर रहा है किसी को भी नहीं पता और यहाँ पे ये जो पेटी पड़ी है बाहर उसे लूटने लूटने की लालच बहुत बहुत होती है है मेरे पे और लूटने में बहुत डर लग रहा होता क्योंकि चौथा बंदा किधर बैठा है कब पेटी बनाएगा कुछ नहीं पता होता तो देखो चौथे बंदे को हम नहीं ढूंढेंगे क्योंकि उसे ढूंढने के चक्कर में अगर हम में से किसी एक की कि पेटी बन गई ना तब गलत सीन होंगे खैर यहां से हम निकल ही रहे होते कि इतने में ही एक बग्गी दिखती आगे से आते हुए तो निकालता हूं मैं अपनी एमफोर और देखो जहां तक मेरा मानना है चलती गाड़ी में ठिलने में यार बहुत ज्यादा दुख होता है खासकर तब जब आप सोलो बंदे हो अकेले बंदे हो गाड़ी चला रहे हो और आप कुछ भी नहीं कर सकते बचने के लिए अगर आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आप गाड़ी चला रहे हो अकेले बंदे हो पूरे चौड़ में गाड़ी चला रहे हो फिर आपके सामने एक पूरी सकॉट आती है और आपको पीछा करके पेलती है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना क्योंकि मेरे साथ बहुत हुआ है गाड़ी रोकता हूँ मैं तो भी पेली देते हैं चार बंदों को ओपन में रुक के पेलने में बहुत दिक्कत होती है लेकिन कभी कभी किस्मत काम करती है और चारों की रस्ते में पेटी बन जाती है खैर जो भी हो उस बेचारे भाई को बग्घी में ही पेल दिया जाता है बैठे बैठे और भाई चाह के भी कुछ नहीं कर पाते इसलिए देखो यार अगर अकेले गाड़ी चला रहे हो या अपने टीममेट से अकेले गाड़ी लेके भाग रहे हो कहीं पे तो यार ध्यान से करना क्योंकि मेरे जैसे ढीठ बंदे मिल गए अगर तो यार वो तब तक पीछा करेंगे जब तक आपकी पेटी ना बन जाए खैर उसके बाद में इधर पे आता हूं और यहां पे आके आगे स्कॉर्ड बैठी है अब ये तीन बंदे क्या कर रहे हैं यार मेरे समझ के पार है। तक मुझे लग रहा है ये दूर किसी और बंदे को पेल रहे हैं खैर इनके मैं बिल्कुल बगल में आ चुका हूं नीचे बैठ चुका हूं और यहां से ऊपर नेट फेंकने की कोशिश करता हूं जिससे कुछ भी नहीं होगा अब जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे अगर एक बोट भी होता ना एक ऐसा बंदा भी होता जिसको आज ही पबजी खेलने को मिला है यार वो भी नेट फेंक के बंदे नौकर देता इसकी मैं गारंटी देता हूँ सौ प्रतिशत और ये मेरी समझ के भी पार है कि कैसे कैसे मैं ये नेट इतना सस्ता कर सकता हूँ कि ऊपर दो तीन बंदे बैठे हैं और कोई भी नहीं हिला और हमेशा की तरह यार जब नेट से काम नहीं होता तो आखिरकार मेरी गने ही काम आती है तो देखो ऊपर धैड़ पैड पीक पाक करके दो बंदे नॉक कर चुका हूं और एक ही बंदा बाकी है और यहां ऊपर आके मुझे पता चलता है कि यार एक बंदा रिवाइव भी हो चुका है ये तीनों के तीनों बंदे यहीं पे बैठे होते भाई पूरी टोली पड़ी होती है इनकी पेटियां देखो भाई आपस आप में घिरी पड़ी है पेटियां और ये जो मैं ऊपर लेट के हरकत कर रहा हूँ ना ये लेट के ये दर्द मिटाओ गोलियाँ खाना इसे सिर्फ दो चीज़ कहते हैं मूर्खता और ढीठता मुझे अच्छे से बताए वहाँ पे लेट के कोई ना कोई कहीं से

घनी झाड़ी में लेटे पड़े होते हैं और टेंसर मतलब आगे जाके बहुत सारे बहुत सारे ऐसे झाड़ियों में छुपे हुए लेटे हुए बंदे देखने मिलेंगे और यार किस्मत ऐसी चमकेगी कि हेडसॉट भी लगेंगे गलती से खैर जो भी हो ऊपर मैं आता हूँ देखता हूँ कि यार बाकी बंदे किधर है उस बंदे की तो सीधा पेटी बनती है और वहाँ पे बाइक भी किसी ने छोड़ी होती है सही है यार मतलब बीच रस्ते में बाइक छोड़ दो और सांप बन जाओ बहुत ही बढ़िया और और बंदे भी दिखते हैं मुझे और यहां पे तुम्हारा भाई फिर से काम पे लग जाता है हाँ वही गोलियां बर्बाद करने का काम तो देखो मैं वो बंदा मेरे ख्याल से एमपोर चला रहा होता है मैं AWM चलाता हूं। और यार इतना खतरनाक चलाया भाई ने कि मुझे अंदर भगना पड़ा और देखो ज्यादा देर तक मैं छत में रह भी नहीं सकता क्योंकि हर किसी की नजर छत पे ही जाएगी चाहे वो सांप बना हो चाहे झाड़ी में लेटा पड़ा हो दोनों ही की बात है खैर जो भी हो इस बार यार गोली बर्बाद नहीं करूंगा मैं शायद और यहां पे मैं कुछ वॉइस ओवर नहीं करने वाला था लेकिन यार हमारे भाई का फोन बज रहा है और मैं नहीं चाहता मेरे को कॉपीराइट स्ट्राइक पर जाए और काफी सारी गोलियां बर्बाद करने के बाद आखिरकार आखिरकार जाके मेरे हेडशॉट लगना चालू होते हैं तो देखो बगल में एक सांप बना था यार इन झाड़ियों में हमेशा कोई ना कोई लेटा पड़ा जरूर होता है तो उस बंदे की भी सीधा पेटी बनी और आगे एक छोटे वाले घर से जो घर के नाम पे एक मजाक है वहाँ से बंदा दोबारा पीक करता है इस बार मेरे ख्याल से भाई बैरल चलाते हैं एम छे दो लेकिन इस बार मेरा गलती से सोट लग जाता है और नोक हुआ बंदा तो यार और भी बंदे बैठे पड़े हैं उधर पे पहले मैं सोचता हूँ क्या गलत नशे हो गए जब भी मैं इस घर पे आता हूँ ना ज्यादातर टाइम जोन यहीं पर बन जाता है धोखा नहीं होता यहाँ पे और देखो वो बेचारों को भक्के आना पड़ रहा है क्योंकि गाड़ी के नाम पे भाई लोगों पर कुछ भी नहीं पड़ा है मेरे ख्याल से खैर जो भी हो उस पत्थर के पीछे दो बंदे बैठे पड़े हैं और देखो लेफ्ट साइड से भी गोलियां चल रही थी और देखो आपने सांप बहुत देखे होंगे लेकिन आपको एक नया प्राणी दिखाऊंगा हाँ होता ये भी झाड़ियों में पाया जाता है लेकिन ये सांप नहीं होता ये कुछ और ही होता है खैर उस प्राणी को मैं ढूंढने वाला था लेकिन ये मुखड़ा दिखा देते हमारे भाई तो तुक्के तुक्के में एक और गलती से लग जाता है लेकिन दोबारा से रिवाइव दिया जाएगा वो सब यार इस प्राणी के मजे मतलब देखो इस प्राणी को और मेरे ख्याल से ये सांपों की एक नई प्रजाति है जहां तक मेरा मानना है क्योंकि ये लेटा नहीं था ये बैठा था झाड़ी में मतलब भाई को लगा यार हर कोई लेटता है हम झाड़ी में बैठेंगे और मस्त मजे लेंगे वहां से खैर जो भी उसको सीधा एक गलती से एडसॉट लगता है और उस बंदे की सीधा पेटी बनती है अरे भागा और यहाँ पे हमारे दोनों बंदे जान लगा के भगते हैं एक बंदे को तो रस्ते में ही पकड़ लेता हूं और भाई की रस्ते में ही पेटी बन जाती है लेकिन हमारे दूसरे भाई वो दूसरे पत्थर पे आ चुके हैं तो करना क्या है यार यहीं पे रुकेंगे क्योंकि जोन अपने पे बन रहा है किस्मत सही चल रही है अभी और देखो एक बंदा राइट में था लेकिन लेफ्ट से कोई और गोली भी चला रहा था और बाद में पता चलता है वो भी इन्हीं की टीम का है हो रहा है एक ही टीम के पत्थर और पे भी मेरा टीममेट यार पूरी जान लगा के कुछ अजीब सी आवाजें निकालना होता है तो हाँ यहाँ पे भी मुझे दोबारा वॉइस ओवर करनी पड़ी खैर देखो इनके सीन देखो यहाँ पे ठीक है एक बंदा पूरा राइट में बैठा पड़ा है एक बंदा पूरा लेफ्ट में और बाद में पता चलता है दोनों भाई एक ही टीम के होते हैं और जो बंदा लेफ्ट में सोया पड़ा होता है बिल्कुल लेटा पड़ा होता है उसे यार गलती से शॉर्ट झाड़ी में एडजस्ट करके पेलता हूं तो बस भाई लोग यार आज के वीडियो में इतना ही बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए झाड़ी में एडजस्ट और मेरी सस्ती स्नाइपिंग और वो जो सस्ते नेट थे नहीं यार नेट के लिए क्यों कोई लाइक करेगा सस्ती स्नाइपिंग और वो जो गलत सीन थे यार उसके लिए लाइक पे मत भूलना बिल्कुल ठोका पीटी करके नीला टैप कर दो लाइक के बटन को और अगर आप यहाँ पे नए हो तो यार करो सब्सक्राइब क्योंकि तुम्हारा भाई ऐसे गलत सीन वाले गेम प्ले और सस्ती कमेंट्री सस्ती स्नाइपिंग के साथ डालता रहता है तो आज के वीडियो में इतना भाई लोग यार जाते जाते एक एक्स वेट चेकआउट करना मत भूलना उसके लिंक कमेंट सेक्शन में होगी बिल्कुल टोक में तो कल मिलते हैं यार बाय बाय